आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बताएं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। भर में बने मौसमी सिस्टम, उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। यह 16 जनवरी से पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करना शुरू कर देगा। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण कोंकण और उसके आसपास बना हुआ है। एक तरफ रेखा उत्तर अंतरिक कर्नाटक से उत्तर अंतरिक ओडिशा तक फैली हुई है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रही। उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिण जम्मू और कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्व MP और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। गंगा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, झारखंड और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान गंगा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के त्रिपुरा भागों में तटीय ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्व भारत में मध्यम से घना कोहरे की संभावना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.